का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य संपदा माने आपको पता है, स्वास्थ्य माने हमारा आरोग्य। हमारा आरोग्य हम किस तरह से अच्छा रख सकते हैं, इसके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। और आप इस पाठ के लेखक को अच्छी तरह जानते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, जो हमारे बहुत बड़े नेता भी हैं और आजादी में उन्होंने अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाया था। तो बताइए मुझे कौन है यह? सही पहचाना, उनका नाम है महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन्होंने एक पत्र के आधार पर हमें समझाया है कि हम अपने जीवन में हमारे स्वास्थ्य का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य का हमेशा अच्छा ख्याल रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए। व्यायाम का महत्व भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले, हम तो गांधी जी को जानते हैं, फिर भी उनका छोटा सा परिचय हम यहाँ पर करवा लेते हैं। पाठ क्रमांक 6, स्वास्थ्य संपदा, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। इनका परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। तो चलो हम विस्तार से यह पाठ अब पढ़ते हैं, जो गांधी जी ने जमला लाल को लिखा है, एरवड़ा मंदिर से 8/11/32 को। चिरंजीव जमना लाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह पत्र गांधी जी ने जमला लाल जी को लिखा है और उसमें वह कहते हैं कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला और उसमें से तुम्हारा हालचाल भी पता चला। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। और फिर गांधी जी आगे कहते हैं कि तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारी मन की इच्छा हो, जो तुम पाना चाहते हो, वही तुम्हें मिले, ऐसा टोकरी भर के। मतलब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उन्हें दिए हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं, उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। और फिर आगे गांधी जी लिखते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में, मतलब तुम्हारे आरोग्य के बारे में जानकर जो भी मैंने सोचा, जो भी मैंने कहा, उस पर मैं दृढ़ हूँ। दृढ़ मतलब अपना विचार पक्का रखना, अब किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं बदलना। और ऐसा ही एक दृढ़ निश्चय वे पत्र में लिख रहे हैं। तुम्हारे अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तुमको अपने खर्चे से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी अगर तुम्हें मिले तो इसमें मैं कोई हर्ज नहीं समझता। मतलब यहाँ पे गांधी जी उन्हें समझा रहे हैं कि अगर हमें हमारा भोजन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें स्वयं मेहनत करनी होगी, स्वयं वक्त निकालना होगा और खुद ही मेहनत से हमें हमारे भोजन की ओर जाना होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी कष्ट हम करेंगे, जो भी मेहनत हम करेंगे और उस मेहनत से जो भी अनाज हम कमाएंगे, उससे अगर हम अपनी दिनचर्या चलाएं तो इसमें कोई दोष नहीं। आगे गांधी जी लिखते हैं कि अपने शरीर की रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मतलब हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, रक्षक माने खुद हम। यह शरीर हमारी अमानत है और इस अमानत को हमें अच्छे से संभालना चाहिए। अच्छे से संभालना चाहिए माने हमें हमारे आरोग्य का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है, मतलब मानव का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी न मांगो तो चलेगा, परंतु औषधि की तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके
तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। यहाँ पर हमें गांधी जी समझाते हैं कि मौज मजे के लिए हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं और उसे अपने शरीर के लिए आवश्यक समझकर उसे लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक क्या है। अगर सस्ता से सस्ता कोई भी फल हमें मिले तो वो तो लेना ही चाहिए, महंगा से महंगा भी उतने ही प्रमाण पर हमें लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और इसीलिए गांधी जी हमें समझा रहे हैं कि अगर गुड़ की डाली अगर मौज मजे के लिए आप ले रहे हो तो वो ना लो, लेकिन महंगे से महंगे अंगूर अगर आपके शरीर के लिए अच्छे हो तो वो आपको खरीदने ही चाहिए। तब आपको उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वह आपकी स्वास्थ्य की बात होती है। आगे वह लिखते हैं, इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। और फिर गांधी जी कहते हैं कि ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए लेने के लिए उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। आगे गांधी जी कहते हैं, इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। उद्वेग माने प्रबलता, फोर्स। हमें उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी उद्वेग या प्रबलता हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। और देखिए, अगर हम खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और खुद के आरोग्य की तरफ हम अगर ध्यान देते हैं तो हमें अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा आहार तो करना ही चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ अगर हम और लोगों को भी उसका लाभ दे सके तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अच्छे आरोग्य की आवश्यकता होती है, ऐसा समझ वह यहाँ पर दे रहे हैं। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। और फिर गांधी जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि से गेहूं जितने मिलते हैं, जितना हम ग्रहण करते हैं उतने खाने की या ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गुड़ बहुत मीठा होता है और उसे छोड़ देना ही वे उचित मानते हैं। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। और फिर यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमारे शरीर को गुड़ की इतनी आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कुछ मीठा ही खाना है तो आपको खाना चाहिए शहद, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही फलदायी है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। और फिर देखिए, पहले तो गांधी जी कहते हैं कि गुड़ की आवश्यकता नहीं है, गुड़ की जगह शहद लेना चाहिए। और फिर कहते हैं कि अगर आपको शहद ना मिले, उसके अलावा अगर आपको मीठे ताजे फल मिलते हो तो शहद की भी जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लिए फलों का कितना महत्व है यह वे हमें बता रहे हैं। और हमारे रोज के आहार में हमें क्या लेना चाहिए, दूध, और दूध का आहार या फिर दूध की मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए। जैसे कि हम सब जानते हैं दूध हमारे आरोग्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि दूध से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और फिर हमारे शरीर में एक शक्ति सी आ जाती है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं। जैतून एक तरह की वनस्पति है और इस वनस्पति के तेल के अलावा अगर आप मक्खन लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मक्खन में जितने विटामिन होते हैं, जितना हेल्दी वो होता है उतना वह तेल नहीं होता। इसीलिए हमारी खाने के मात्रा में मक्खन का उपयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करने की सलाह वे दे रहे हैं। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, और जो भी हम सब्जियां बनाते हैं तो उसमें हरी सब्जी होना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं, साइंस हम सब पढ़ते हैं कि हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए कितनी फलदायी होती हैं, कितनी हेल्दी होती हैं, इसीलिए हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, और आलू जैसी सब्जी तो रोटी का स्थान ले लेती है। इनमें स्टार्च होता है और फिर इनमें स्टार्च भी होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी।
और फिर गांधी जी कहते हैं कि आप सबको स्टार्च की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हमें गेहूं की रोटी ही पूरी होगी क्योंकि गेहूं में बहुत स्टार्च होता है। मक्खन दूध काफी है और इसके अलावा मक्खन और दूध भी काफी होते हैं। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। जो भी हमारा वजन बढ़ता है या घटता है उसके अनुरूप हमारी आहार की मात्रा, दूध और मक्खन की मात्रा हमें कम ज्यादा करनी चाहिए। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। और जब तक हम हेल्दी ना हो जाए या हमारा वजन स्थिर ना हो जाए, कम हो तो ज्यादा, ज्यादा हो तो कम हो, इस तरह से अगर दूध और मक्खन की मात्रा उसके अनुरूप अगर हम लेते रहे तो यही हमारे लिए अच्छी बात है। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। और फिर हमें वह सलाह भी देते हैं कि तरकारियों जैसे सब्जी में कौन सी सब्जियां अच्छी होती है, लौकी, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेब, बैंगन, इन सब की जो गिनती है वो अच्छे सब्जियों में होती है। इसीलिए हमें हरी सब्जियां, फल सब्जियां खानी चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं में बिल्कुल साफ करके पीसा गया तो उसको कोई भी अंश भी नहीं फेंकना चाहिए। आगे गांधी जी कहते हैं कि हमें गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ चाहिए। चोकर मतलब जब हम गेहूं पीसकर लाते हैं तो उसमें जो भी छानने के बाद कुछ बचा होता है उसे कहते हैं चोकर। आगे गांधी जी कहते हैं गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर माने जब हम गेहूं पीसकर लाते हैं तो उसे छानने से पहले उसमें जो थोड़ा सा लाल कलर का पदार्थ होता है उसे चोकर कहते हैं। अगर हम उसे छान लेते हैं आटे को और ऊपर ऊपर जो बचता है उसे चोकर कहते हैं, और अगर उसे हम निकाल ले तो हम गेहूं का जो मेन या जो भी आवश्यक घटक होते हैं वो हम निकाल बाहर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चोकर के साथ ही गेहूं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसमें जो आवश्यक घटक है हमारे शरीर को पूरी तरह से मिलने चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। और फिर वह आगे कहते हैं कि साफ कर हमने इस गेहूं को पीस भी लिया तो उसमें का कोई भी अंश हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गांधी जी पत्र लिखते हुए जमुना लाल को बहुत सारी बातें समझाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। एक अच्छे आरोग्य की, एक अच्छे सुखी जीवन की वह हमें टिप्स दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं पत्र के माध्यम से, जिसमें उन्होंने हरी सब्जियां, गेहूं, स्टार्च की मात्रा, मक्खन, दूध आदि का महत्व हमें बताया है। अब देखते हैं पाठ में आए हुए शब्दार्थ। अमानत माने धरोहर अथवा थाती। निर्दोष माने दोष रहित, मतलब जिसका कोई दोष नहीं होता। सर्वोत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा। उद्वेग माने प्रबलता। रक्षक माने रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाले का मतलब होता है सुरक्षा करने वाला। चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम गेहूं पीसकर लाते हैं तो उसे छानने के बाद जो भी पदार्थ बचता है उसे कहते हैं चोकर, गेहूं का चोकर। तो आज यहाँ तक ही हम यह पाठ पढ़ते हैं। अगला पाठ का अंश हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप सबको समझ में आया ही होगा कि गांधी जी यहाँ पर हमें पत्र के माध्यम से हमारी आरोग्य संपदा और स्वास्थ्य संपदा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का अगला अंश हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।